अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, आपको क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इधर आया हुआ हूँ यहाँ पे होलसेल मार्केट में, यहाँ पे कारोबार के लोग आते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, बिजनेस का सामान लेने के लिए आते हैं। तो मैंने चले आज मैं आपको यहाँ का विजिट करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रिप, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए जी, ये प्याज की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये तरबूज पड़ा हुआ है, यहाँ पे लौकी प्याज पड़ा हुआ है। ये देखिए टमाटर के डब्बे पड़े हैं बहुत सारे। यहाँ पे हर चीज़ थोक के हिसाब से मिलती है, बड़े बड़े बल्क। देखिए कितना बड़ा स्टोर है। यहाँ पे जितने भी कारोबार के लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपने मतलब का सामान लेते हैं। देखिए ये आम पड़े हुए हैं डब्बों में, ये देखिए ये सब्जियाँ पड़ी हैं, ये कूलर, ये तमाम लोग वेजिटेबल ऑयल पड़े हुए हैं सारे। ये देखिए ये सारे कूलर हैं, इस तरह मैं आपको दिखाऊँगा। अब हम जा रहे हैं फ्रीज़र में। ये पूरा फ्रीज़र है, ये बर्फ़ वाला सर्कल। यहाँ पर सब लोगों ने ये देखें, ये पालक पड़ी हुई है, सलाद का सामान पड़ा हुआ है। ये लिखा हुआ है हलाल, ये चिकन हलाल है ये वाला, ठीक है। ये हलाल सेक्शन है। इस तरफ सब चीज़ आ रही है, अभी तक सब चीज़ें हैं ऊपर यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी सी फिश, क्या बोलते हैं, फिश मछलियाँ दिखाता हूँ। ये देखें ये सी का बर्फ में सामान लगा पड़ा है सारा। ये देखें ये जिंदा वो पड़े हुए हैं, लाफ्टर पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये शेल पड़ा हुआ है अंदर, देखिए जिंदा। ये देखें ये मछली पड़ी हुई है, ये देखें ये मछली आप देख रही है। ये देखें ये भी सब हॉट डॉग्स वगैरह पड़े हैं। ये चिकन आ गए, यहाँ से हम चिकन लेते हैं। ये सिर्फ सारा गोश्त जा रहा है। अब हम गोश्त सेक्शन में आ गए। ये गोश्त आ गया जी, सारा हलाल गोश्त। देखिए 170 पाउंड, ये पाउंड के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह भी सारा गोश्त आ रहा है जी, ठीक है। और इस तरह भी सारा गोश्त आ रहा है। ये केस पड़े हुए हैं, 20-20 पाउंड के केसेज हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बकरा मिलता है, बीफ मिलता है हलाल, चिकन हलाल, टर्की हलाल। ये सब गोश्त पड़ा हुआ है, ये बीफ पड़ा हुआ है हलाल। ये देखिए ये कीमा पड़ा हुआ है हलाल, ठीक है। अरे मैं आपको यहाँ से सब दिखाता हूँ। देखिए ये सारी सब्जियाँ पड़ी हैं, ये गोभी पड़ी है, देखिए ये ब्रोकली पड़ी है, ये लहसुन पड़ा हुआ है, ये गाजरें, छलियाँ पड़ी हैं। हेलो हाउ आर यू। और बड़ा सामान जैसे चावल है, आटा है। ये देखिए ये पूरा केस है ब्लूबेरी का, ये पूरा कार्टन है स्ट्रॉबेरी का। ये देखिए अंगूर पड़ेगा, पूरा केस अंगूर का है। ये वो है पीचेस, आड़ू, अंगूर, ये भी अंगूर। तो ये पैटियाँ बनी हुई हैं, ये सी फूड की पैटियाँ बनी हुई हैं, कबाब तरफ जैसे बने होते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे समोसे भी पड़े होंगे। ये देखिए स्प्रिंग रोल्स पड़े हुए, बने हुए, बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे भी, कच्ची भी मिलती हैं, बनी बनाई भी मिलती हैं, जो आपको पसंद हो, ठीक है। ये देखिए चिकन की पैटीज हैं, ये समोसे हैं सामने, ये नान पड़े हुए हैं, पराठे पड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह सारा फ्रूट पड़े हुए हैं। ये देखिए ये फटा हुए चावलों की बोरियाँ फटी पड़ी हैं, हमने ये बोरी ली है चावलों की, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ केन फूड, कैशियर अलग होते हैं। ये देखिए ये डाइस टोमेटो का केन है पूरा, ठीक है। अब ये इनकी लिखी हुई, अगर एक पैकेट लेंगे तो इतने का है, अगर पूरा केस लेंगे तो इतने का है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्राइस लिखी हुई होती है, ठीक है। और ये आ गया जी कैंडीज, ये छुरियाँ, तलवारें वगैरह पड़ी हैं सारी यहाँ पे। ये देखिए कितनी बड़ी तलवार पड़ी है, ये देखिए ये ग्लास पड़े हुए हैं, शैम्पेन ग्लास एंड एवरीथिंग हियर। तो ये कैशियर बने हुए सामने इनके, यहाँ पे लोग लाइनों में लग के, देखें ऐसी कार्ड होती है इनकी, बीच में सामान पड़ा हुआ है ताकि जो लोग हैं, जो अपना जो काम करने वाले हैं, वो उठा उठा के उनको ऊपर शेल्फ पे लगा रहे हैं। तो ये था मेरा विज़िट आज का रेस्टोरेंट डिपो का विज़िट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। म्यूज़िक की वजह से शायद कॉपीराइट का इशू हो जाए, बहुत मसला है ये भी। तो एनीवे ये था मेरा आज का वीडियो, विजिट इन रेस्टोरेंट डिपो। दिस इज द बिजनेस ओनर्स हु डू द बिजनेसेस, दे come over here for their supply for restaurant food and everything. So this is very interesting experience. We come every once a month here, or every 2 months one time to buy all the grocery and stuff. So हम 2 महीने में दफा यहाँ पे आते हैं. तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा. रेस्टोरेंट डिपो का विजिट और हमने घर का सामान जो लेते हैं गोश्त वगैरह जो बड़ी क्वांटिटी में था, चावल आटा गोश्त घी चावल सब्जियां, तो ये हमने लिया आज और हमारा अच्छा ट्रिप रहा. और मेरे पीछे बैठा हुआ जी इब्राहिम जाज. हेलो इब्राहिम फैडी. और thank you friends watching my video and support my channel. Today I visited Restaurant Depot. They do this kind of businesses for like the people who have a restaurant or their own businesses, so they bought the bulk quantity for the food, so they can use it over there. So we bought some stuff over here as well because we use some quantity a lot. So we come like every 2 months one time and then buy the meat and atta and chawal, rice and everything, so we can just use it in our house. Anyway, so thank you. I hope you guys like this vlog today, and it's gonna be interesting for you guys to be in this, like, looking this kind of store. I don't think so I ever showed this store to you guys before. I never have an idea if I can show this to you guys before, but पहली दफा मैं ये दिखाया है स्टोर. आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. खुश रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए. एंड थैंक यू सपोर्ट जाज़ व्लॉग USA. एंड एंजॉय करते रहिए. इन्फॉर्मेटिव आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ से दूंगा आप लोग इसको इन्जॉय कीजिए. अपनी दुआओं में मोहब्बतों में बहुत याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.